हेलो फ्रेंड, मैं हूँ घासी। आप देख रहे हैं क्विक मोबाइल रिपेयर। दोस्तों, आज नोकिया 206 मॉडल का लाइट सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दोस्तों, डिस्प्ले में ग्राफिक आ रहा है लेकिन उसका लाइट एब्सेंट है, उसका लाइट नहीं आ रहा है। तो इसका कारण कहां पर इसका प्रॉब्लम है, इसको आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इसका कवर रिमूव कर देते हैं। दोस्तों, अभी बताएंगे आपको इसका कनेक्शन कहां कहां से रनिंग किया हुआ है। दोस्तों, ये उसका लाइट कॉइल है, ये ख़राब होने से आपको लाइट फ्लो नहीं करेगा, ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर है, लाइट ट्रांजिस्टर लाइट वोल्टेज ड्राइव करता है। नज़दीक में लगा है एक डायोड, ये डायोड रेक्टिफाई करता है वोल्टेज को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर सब ये पावर सप्लाई है। दोस्तों, यहाँ देखिए वोल्टेज फ्लो कर रहा है, यहीं पर बैटरी टर्मिनल से लगाने से देखिए मीटर बता रहा है। दोस्तों, मीटर शो कर रहा है कॉइल में, दोनों कॉइल में दो पॉइंट में उसका कंटिन्यूटी आना चाहिए। दोस्तों, आगे देखते हैं कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, वहाँ तक पहुँच रहा है डायोड पॉइंट से, कैपेसिटर पॉइंट से यहाँ तक ये कनेक्शन क्या हुआ है वहाँ भी पहुँच रहा है। खोल के देखते हैं दोस्तों डिस्प्ले सेक्शन में उसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों, ये खुल गया है, देखते हैं ये कहाँ पर काम किया हुआ है। इसका ट्रैक सब टूटा हुआ जैसा दिख रहा है। दोस्तों, देखते हैं उसका वोल्टेज पहुँच रहा है कि नहीं। पिन नंबर थ्री से माइंड कीजिए, पिन नंबर थ्री से आपको पॉजिटिव वोल्टेज बी प्लस से 5 वोल्ट बी पॉजिटिव वोल्टेज पहुँचना ज़रूरी है। बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव वोल्ट आपको एलसीडी के पिन नंबर 3 पर पहुंचना ज़रूरी है। यहीं से आपको कंटिन्यूटी मीटर लगा के कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। पिन नंबर पे आपको कंटिन्यूटी पता करना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं। देखते हैं दोस्तों, इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो आ रहा है कि नहीं। दोस्तों, इस हिसाब से आप करोगे फॉल्ट फाइंडिंग 100% आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, ये देखो सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है बैटरी का वोल्टेज, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है पिन नंबर 3 पे। इसका मतलब कहीं पर उसका ट्रैक टूटा हुआ है। तो हम बैटरी का टर्मिनल से एक जम्पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, वहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बैटरी रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, वहाँ से नज़दीक पड़ता है तो वहीं से हम एक जम्पर लगाएंगे। देखिए, इसको बता दिए हैं कहाँ कहाँ कनेक्शन है, LCD 4 नंबर से 4 नंबर सब बता दिए हैं। इस हिसाब से आपको करना है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर 4 नंबर कहाँ पर ये टूटा हुआ है, इसको माइंड करके आपको वहाँ पर एक जम्पर लगाना है। दोस्तों, ये जम्पर हो गया है LCD का, इसका पीछे रेगुलेटर ट्रांजिस्टर को देंगे। रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर का एक सिरा बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वहीं पर हम इसका वोल्टेज सप्लाई देंगे। यहाँ पर जम्पर लगाएंगे, ये सप्लाई वोल्टेज भी पॉजिटिव है, वहीं से आपको वोल्टेज रेगुलेट करता है। वहाँ पर बैटरी टर्मिनल का कनेक्शन पहुँचा हुआ है बैटरी का वोल्टेज, तो नज़दीक वहाँ लगेगा तो नज़दीक में ही हम उसको सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, ये सोल्डरिंग हो गया है, अब इसको चेक करते हैं कहीं शॉर्ट वोट तो नहीं है। सोल्डरिंग करते समय कोई शॉर्ट हो, बॉडी में ग्राउंड हो जाने से भी शॉर्ट बंद हो जाता है। चेक कर लेते हैं एक बार कंटिन्यूटी देख करके। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, सही हो गया है। तो आगे देखें दोस्तों, हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक कीजिए। दोस्तों अभी चेक करेंगे, टेस्ट करते हैं और देखते हैं उसका सलूशन हुआ कि नहीं। नहीं होने से दोस्तों वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आपको बताए थे, ट्रांजिस्टर ज़्यादातर ख़राब रहता है, वो डायोड ख़राब रहता है, कॉइल ख़राब रहता है, उसको भी बारी बारी से आपको चेक करके सलूशन आपको निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये लाइट ऑन हो गया है, आपको दिखाता हूँ क्लोजर में, लाइट ऑन हो गया है, इसका मतलब वो सप्लाई टूटा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।